संत मत में तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। मिस्टर बैन, आई विल लेट यू नो लेटर ऑन व्हेन वी मीट टुगेदर व्हाट एवर आई से हियर टुडे, ओके? वेल, हियर आई विल स्पीक इन हिंदी। संत मत में तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज ये है कि संत मत की संतों ने बुनियाद क्यों रखी, जो मेरे अंदर दिमाग के मेरे जो सवाल पैदा हुआ। अशोक ने वो शब्द गाया है कि ये वो महफिल है जहां दुनिया के दुख दूर किए जाते हैं और दुखियों को सीने से लगाया जाता है। ये कहा गया है। क्या कबीर साहब के मन में ऐसा ख्याल था, गुरु नानक साहब के दिमाग में ऐसा ख्याल था, या महर्षि जी के दिमाग में ऐसा विचार था? मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने जहाँ 1992-93 से लेकर 1981 तक सत्संग दिया, किस लिए? अपने अंग लगाने के लिए। जैसा दाता दयाल ने कहा था, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का बेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। गुरु अंग लगा के ले जाता है। वो अंग क्या है? परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मेरे अंग तो ये हाथ पैर हैं, आप सभी पकड़ लोगे तो मैं दब नहीं जाऊंगा। मेरा अंग मेरी वाणी है। जो वाणी पर चलेगा वो पार जाएगा, जो वाणी पर नहीं चलेगा वो पार नहीं जा सकता, वो समझ नहीं सकता कि एक संत ने क्या कहा है, किस लिए कहा है, क्यों कहा है, किस वक्त के लिए कहा है। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि संत मत में सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। क्यों क्यों बड़ी है? क्योंकि यहाँ इंसान के मन का ऑपरेशन किया जाता है। यही मेरे दादा परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि मेरे पास संगत क्यों काम आती है, मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ, लोग मन का ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते। दादा दयाल जी महाराज का आपको मैं एक शब्द सुनाता हूँ। आज उन्होंने क्या कहा संत मत के बारे में, उन्होंने क्या कहा सत्संग के बारे में कि यहाँ क्या किया जाता है। अशोक ने भी इसी महफल के बारे में कुछ कहा है, वो और ढंग से कहा गया है। दाता दयाल जी महाराज ने इसको अपने अनुभव के मुताबिक कहा है कि ये जो सत्संग है ये किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। ये मैं शब्द आपको अब सुनाने जा रहा हूँ, पढ़िए। एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। राधा स्वामी धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लियो चुनर धुलाए धोबिया प्रगटा जग में सजनी। यहाँ दाता दयाल जी महाराज गुरु को एक धोबी के रूप में प्रकट कर रहे हैं। वो धोबी करता क्या है? धोबी तो कपड़े धोता है ना, अब तो जमाना बदल गया। पहले धोबी होते थे, धोबी घाट होते थे, वहाँ कपड़े धोए जाते थे, सुखाए जाते थे, फिर दिए जाते थे। आज तो घर घर में मशीनें लग गई। लेकिन यहाँ जो धोबी कपड़ा धोएगा वो क्या है, वो कौन सा कपड़ा है जो धोबी धोएगा? वो हमारी चुनरी को साफ करेगा। चुनरी कौन सी हुई? ये चुनरी है, वो चुन्नी नहीं है जो लेडी सत्पा लेती है, यह चुन्नी है। क्योंकि इस चुन्नी के ऊपर अनेक प्रकार के दाग लग जाते हैं, देखने से, सुनने से, खाने से, बोलने से, टच करने से, दुनिया के झंझटों में फंसने से, अनेक तरह के यहाँ दाग लगे हुए हैं।
तो दाता दयाल जी महाराज उस समय कह रहे हैं, अपने समय में कह रहे हैं कि सतगुरु का काम क्या है, धोबी का काम है। आज धोबी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ मुझे धोबी मिला जिसने मेरी चुनरी को साफ कर दिया। जो वो संस्कार, आप क्या समझते हैं हम इस जीवन में इस शरीर में इसी समय आए हैं? नहीं, जन्म जन्म पता नहीं कितने जन्म हमने लिए हैं। शास्त्र तो कहते हैं 84 लाख जुन्नी भोगता है इंसान, मुझे नहीं पता, हो सकता है 84 लाख जुन्नी होगी। यहाँ वो संस्कार साफ किए जाते हैं जो हमारे मस्तक पर पड़े होते हैं। अगर कोई चाहे कि मेरे मस्तक वो हो जाए जो पहले था, वो हो जाए जो पहले साफ था, जिसमें कोई दाग नहीं था, तो वही चुनरी जहाँ धुला सकता है जिसमें दुनिया की ख्वाहिशात हैं, दुनिया की कामनाएं हैं, दुनिया का मेल जोल है, उसकी चुनरी कभी साफ हो नहीं सकती। इसलिए क्या कहते हैं दाता दयाल, पढ़ो। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनर धुलाए। चुनरी को धुला दो। कौन सी चुनरी? मन की चुनरी। मन में ना जाने क्या क्या ख्याल आते हैं, क्या क्या विचार आते हैं, क्या क्या कल्पनाएं आती हैं, क्या क्या योजनाएं बनाते हैं हम, वो सारी की सारी हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। हम निश्चित रूप के ठहरते नहीं हैं, हम एक जगह पर ठहरते नहीं हैं, मन हमेशा विचलित रहता है। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, ऐ इंसान तू केवल एक डिमांड रख, एक डिमांड रख, जब वो पूरी हो जाए फिर अगली डिमांड रख। यहाँ तो पहली डिमांड पूरी नहीं होती, दूसरी डिमांड रख देते हैं। कल्पना में पड़े हुए हैं, सोच में पड़े हुए हैं, विचारों में पड़े हुए हैं, हम अपने मन का ताना बाना हर वक्त बुनते रहते हैं। इसलिए संतों ने कृपा करके हमें बताया कि धोबी आया है, वो क्या काम करता है, वो तुम्हारे मन की चुनरी को साफ कर देता है। क्या मतलब? जो जन्म जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, जहाँ इस जीवन के संस्कार पड़े हुए हैं, जैसे कबीर साहब ने लिखा, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व ले लेख। तीन तरह का हमारा जीवन है। कुछ करनी, जो हमने अब तक किया उसका असर हमारे मन पर है। कुछ करनी कुछ कर्मगत, जो अब हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उसका असर भी हमारे मन पर रहता है। और कुछ पूर्व ले लेख, और कुछ हमारे पिछले जन्म के लेख भी हमारे साथ हैं। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु अपने वचनों द्वारा, सतगुरु अपने अनुभव द्वारा, सतगुरु अपने जीवन के अनुभव से हमारे मन के उन सभी ख्यालों को मिटाकर एक नया ख्याल भक्ति देता है। वो क्या है? वो भक्ति का मार्ग है। जैसा कहा गया, वो भक्ति का मार्ग देता है कि ऐ इंसान, बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो तेरे अपने अंदर है। तू अपने अंदर ठहरने की कोशिश कर, ताकि तेरा मन हमेशा स्थिर रहे और तेरी मनोकामना पूरी होती रहे। ये कहना चाहते हैं दाता दयाल। आगे पढ़ो। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। दाता दयाल जी कहते हैं, अब संत जो होते हैं वो अगले के मन की फिल्म खींच लेते हैं। परमजाल जी कभी कभी वहाँ बैठे हमारे साथ बात किया करते थे, कहते बच्चा जब इंसान वहाँ दरवाजे से अंदर आता है तो मुझे उसकी सारी फोटो सामने आ जाती है कि इसके मन में क्या है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो संत जो होता है वो इंसान की भावना को देखता है और कुछ नहीं देखता। मुझे अपना याद है, मुझे किसी का और का पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता। मैं 1956 में महाराज जी के दरबार में गया, मास्टर मोहनलाल जी के घर में। जब 3 साल हो गए
तीन साल, मतलब हर इतवार को मैं जिथे इतवार को सत्संग होता था मैंने जाना। गोपाल ने किताब दे देनी, महाराज ने बोलना शब्द बोल लो, मैंने वो शब्द गाना शुरू करना, सत्संग हो गया, प्रसाद लिया, चलो चलते बने। जब तीन साल हो गए तो महाराज जी ने मुझे कहा, जब मैं चलने लगा, बेटा चलती दफा मुझे मिल के जाना। मेरे सतगुरु बाबा की ने मुझे कहा कि बेटा जाती दफा मुझे मिल के जाना। अब मेरे दिमाग में ख्याल आने लगे, पिताजी ने पता नहीं मुझे क्या पूछना है, मैं कहाँ से आता हूँ, क्यों आता हूँ, क्या करता हूँ, ये तो दिमाग में आनी थी ना बातें। चलो सत्संग हो गया, दुनिया सब चली गई, तो मैं मास्टर महाराज जी सत्संग के बाद मास्टर मोहनलाल जी महाराज को अंदर ले जाते थे, ड्राइंग रूम में बैठाते थे, वे चाय पानी पिलाते थे। मैं चला गया, हाथ जोड़ के कहा, पिताजी आपने मुझे बुलाया था। हाँ बेटा बुलाया था, मुझे कुछ नहीं कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे पाँव से लेकर सिर तक देखा, फिर सिर से लेकर पाँव तक देखा। मैं देख रहा हूं कि महाराज जी मुझे कुछ पूछेंगे, और कहा बच्चा जाओ, बच्चा जाओ। मैं आ गया, मैं बड़ा हैरान हुआ कि महाराज जी ने कुछ पूछा नहीं। अब मुझे याद आया, बहुत सालों के बाद याद आया कि मुझे पिताजी ने क्यों बुलाया था। उन्होंने मेरे अंतःकरण को देखा कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मैं क्यों आता हूँ, नौजवान हूँ, पढ़ता हूँ, क्यों आता हूँ। उन्होंने देख लिया कि इसके अंदर एक भूख है, और फिर मेरा बाजू पकड़ लिया, मुझे नहीं छोड़ा। 1970 में जब मेरे पास महाराज जी धर्मशाला गए तो मेरे कंधे पर हाथ रखा, सड़क के ऊपर चलते चलते, बेटा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूं। मैं समझ गया कि क्यों आते हैं, मेरी चुनरी को साफ करने के लिए आते थे, मुझे वो बात कहने के लिए आते थे कि ये ख्याल तेरे, ये विचार तेरे, ये कल्पना तेरी किसी भी काम की नहीं है, तेरे काम की चीज एक और है जिसको नाम कहते हैं। क्या कहा मैंने, इसलिए क्या कहते हैं स्वामी दाता दयाल जी महाराज, क्या कहते हैं, पढ़ो यही लाइन, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की मैली चुदरिया देखा तुझिया घबराए। महाराज जी क्या कहते थे कभी कभी कि मेरे पांव को हाथ मत लगाओ, तुम्हारी रेडिएशन मुझे डिस्टर्ब करती है, यही कहते थे। क्योंकि हर इंसान के दिमाग में जो फतूर होता है वो दूसरे के ऊपर असर करता है, वो दूसरे के ऊपर असर करता है। वह मेरी बहन बैठी है, मैं 2016 में बीमार हो गया, मेरे कमरे में आए, मुझे कहते भाई जी किसी को पैरों को हाथ न लगाने दिया करो। सुषमा बहन जी ने मुझे कहा, पता नहीं उनको याद है कि नहीं, मुझे याद है, तब से मैं अपने पाँव को जराब पहन के रखता हूँ और उसके ऊपर भी मैं तौलिया बिछा लेता हूँ। क्यों, तुम्हारी रेडिएशन असर करती है, तुम्हारे मन में क्या है क्या नहीं है उसका असर दूसरे के ऊपर पड़ता है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर तो यहाँ तक कह देते थे कि पुलिस वालों ने कुत्ते रखे होते हैं, वो कुत्ते सूंघते हैं इंसान को, उसकी कोई चोरी वाले की, डाकू वाले की कोई चीज सुंघा देते हैं, वो उसके सूंघ के पीछे चलते हैं और उसको जाके पकड़ लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे शरीर से हर वक्त जैसा हमारा अंतःकरण है, जैसे हमारे विचार हैं, जैसी हमारी सोच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, शत्रुता है, वो हमारे अंदर से हर वक्त बाहर निकलती है। संत नहीं ऐसा सोचते, संत क्या कहते हैं, जो आए सो राजी जाए, उनके मन में कभी द्वेष पैदा नहीं होता। जिसके मन में द्वेष पैदा हो गया वो संत हो ही नहीं सकता, जिसके मन में घृणा पैदा हो गई उसका वो भी संत नहीं हो सकता।
जिसको किसी चीज से अटैचमेंट है वो भी संत नहीं हो सकता, जिसको अपने डेरे से अटैचमेंट है वो भी संत नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए बहुत निर्लेप होता है संत, वो ऐसे होता है जैसे अमृत की धारा होती है, वो ऐसे होता है जैसे चांद की सफेदी होती है। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐ इंसान, ऐ सत्संग में आने वाले, तेरे शरीर के ऊपर, तेरे मन के ऊपर जन्म जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, और फिर यहाँ आकर तो इस कलयुग में सबसे बड़ा क्या है, कलयुग में क्या है सबसे, कलयुग की बात क्या है? कलयुग में हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हमारा इंटेलेक्ट बहुत तेज है, मेरा तेरा करना जानता है, इसमें द्वेष भावना सबसे ज्यादा है, इसमें चंचलता सबसे ज्यादा है। इसलिए संतों ने कहा कल क्लेश सब नाश, कब? जब सतगुरु के दरबार में तुम आ जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे मन की सारी सफाई कर देता है। कैसे कर देता है? पढ़ो आगे। काम क्रोध की जड़ लपटानी, काम क्रोध की जड़ लपटानी, दुर्गंध वास बसाए। अब सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लिए, हमारे मन के लिए? वो है कामना। कामना के साथ क्रोध है, कामना पूरी होगी क्रोध नहीं आएगा, कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आएगा। बच्चे ने आपके मन में ख्याल है कि बच्चे मेरी उंगली पर नाचे, वो नहीं ना मानते, वो मॉडर्न ख्याल के हैं, तो तुम्हें क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हें क्रोध आएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कामना को कंट्रोल करना है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी चीज होने के लिए तैयार मत रहो कि हर काम मेरी इच्छा के मुताबिक हो, ये नहीं होगा। सूरज तुम्हारे कहने से नहीं चढ़ता, सूरज तुम्हारे कहने से नहीं डूब होता, तुम्हारे कहने से बारिश नहीं होती, तुम्हारे कहने से कुछ बादल नहीं गरजता, जो होना है वो हो रहा है। इसलिए कामना नहीं करनी है ताकि क्रोध ना आए। जिस इंसान के क्रोध अंदर है उसके चेहरे को आप देख लो, आपको पता लग जाएगा कि ये अंदर से कितना जला हुआ है। मोह का हमारे चेहरे पर और असर होता है, लोभ का हमारे चेहरे पर और असर होता है, कामना का हमारे सिर पर और असर होता है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, ये देखी हुई चीजें हैं। जो भी चीज हमारे अंदर है उसका हमारे चेहरे के ऊपर असर आएगा। चिंतित आदमी के चेहरे को देखे वो मरझाया होगा, खुशी में इंसान को देखे उसका चेहरा खिला हुआ होता है। बच्चे को देखो, परमदयाल जी महाराज कहते थे अरे औरों को छोड़ना देखो छोड़ो, बच्चे को देखो, 6 महीने के बच्चे को देखो, साल के बच्चे को देखे, उसमें कोई ना कामना है, ना क्रोध है, ना अपना है, ना बगाना है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना नफरत है, ना शत्रुता है। वो तुम्हें देखकर हंसता है क्योंकि वो बहुत पवित्र है। बाद में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें भी माता पिता सब तेरा तेरा डाल देते हैं, ये तू धर्म तेरा ये है, ताया तेरा ये है, चाचा। इंसान तो इंसान का बेटा था लेकिन उसको भी हमने बगाड़ दिया, और संत उसको वापस ले जाना चाहते हैं, उसी स्थिति में लेना चाहते हैं जहाँ के वो उसके मन में कोई ऐसी चीज ना हो। क्या करते हैं वो करते क्या हैं? काम क्रोध की वासना को कैसे दूर करते हैं? आगे पढ़ो। काम क्रोध की चढ़ लपटानी, दुर्गंध वास बसाए, धोबी आया चतुर सियाना, धोबी आया चतुर सियाना, औघट घाट सजाए। अब दाता दयाल जी कहते हैं कि संत आया धोबी बनकर, महापुरुष धोबी बनकर आते हैं।
आजकल क्या है मुझे नहीं पता। संत का काम क्या है? धोबी का काम है। वो क्या कौन सा घाट बनाता है? धोबी का घाट होता है ना। अब मैं जो याद है, मैं यहाँ जब होशियारपुर में रहता था तो चो में धोबी घाट होता था, पर जाकर बड़े कपड़े धोते थे वो, बहुत बड़ा घाट होता था। अब तो कहीं है ही नहीं, नजर नहीं आता। तो घाट कौन सा है? वो हमारे अंदर के घाट को समझाता है, मन का घाट। ये है वो घाट। इसमें वो बैठकर तुम्हारी चुनरी को साफ करता है। धोबी अप्रगटा जग में सजनी, अब घट घाट सजाए। कोई बाहर घाट नहीं है, तुम्हारे मन के चिदाकाश को अपना घाट बनाता है। और फिर क्या करता है? कैसे तुम्हारे मन की उस सारी गिलानी को, उस सारे दुख को, उस सारे क्लेश को, चिंता को, फिक्र को दूर करता है? अगली लाइन पढ़ो। काम की भट्टी तप की अग्नि। हाँ, ये देखो, काम की भट्टी तप की अग्नि, ज्ञान का साबुन लाए। वो क्या करते हैं? आपसे भक्ति करवाते हैं। ये भक्ति आप कर रहे हैं इस वक्त। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, कान में उंगलियां डालकर बैठना भक्ति नहीं है। सत्संग में बैठकर पूरी बात को ध्यान से सुनना ही भक्ति है। और स्वामी जी महाराज लिखा, दर्शन करे वचन पुनि सुनने, सुन सुन कर मन मन में गुन्ने, गुन गुन का लय तार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए हुआ। अगर हम बात को ही नहीं सुनेंगे और बात को अपने अंदर नहीं लेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन करके उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, हमारे पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए वो कहते पहले भक्ति करवाता, बैठो संगत में बैठो। तप की अग्नि। तप क्या होता है? तप है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हठ करना, उसको तप कहते हैं। कई साधु अग्नि जलाकर बैठ जाते हैं, वह हम तप कर रहे हैं, चारों तरफ अग्नि लगाई हुई है, वो तप नहीं है, वो दिखावा है। तप ये है कि जब आप सत्संग में बैठे हैं, तुम्हारे मन में कोई और ख्याल दुनिया का, दीन का नहीं आना चाहिए, तब तुम तप कर रहे हो, वरना तुम तप नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ आकर भी दुनिया दिमाग में है, तो जो सतगुरु कहता है या जो सतगुरु बोल रहा है, वो तुम्हारे मन में नहीं उतरेगा। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कह करते थे कि जब तुम सत्संग में बैठते हो, मेरी तरफ देखते रहो, मेरे चेहरे पर अपनी नजर को टका लो और मेरी वाणी को आप पकड़ते जाओ, तुम्हारा यही कल्याण हो जाएगा। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने करके देखा, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त उस महापुरुष के अंदर से ऐसी रेडिएशन निकलती है, ऐसी भावना निकलती है जो तुम्हारे अंदर तक पहुंच जाती है। क्या कहा मैंने? क्या करते हैं संत? फिर पढ़ो यही लाइन। कर्म की भट्टी तप की अग्नि, ज्ञान का साबुन लाए। ज्ञान क्या है? गुरु का वचन ज्ञान है। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो वो विचारो, जो विचारो दो विगुनो। जो सुन लिया उसको पकड़ लो, बस उस पर चलो। चलकर जब आप सतगुरु के पास जाएंगे, आपको वो देखकर खुश हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? वो पहचान लेते हैं कि ये बच्चा ठीक चल रहा है, और वो उसको उस रास्ते पर चलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या कहा मैंने? ये है संतों का महानता, ये है गुरु के दरबार की महानता, कि वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, अपने वचन से शुद्ध कर देते हैं। लेकिन मेरे दादा तो यहाँ तक यह कहा करते थे कि मेरे पास अपने मन को शुद्ध करने के लिए आता कौन है?
कोई कुछ मांगने के लिए आता है, कोई कुछ मांगने के लिए आता है, कोई कुछ मांगने के लिए आता है, उनको मैं क्या दूँ? ये तो वो कहा करते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये दुनिया डिमांड की है, ये दुनिया तो दुनिया चाहती है, और दुनिया को ये विश्वास ही नहीं है कि ये दुनिया सदा मेरे साथ नहीं चलेगी। कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, अगर जाने वाली कोई चीज़ है तो वो गुरु का वचन है। बस जो मैंने समझा है, गुरु वचन जो है वो ही तुम्हारा गाइड है, वो ही तुम्हारा रक्षक है, और वो ही तुम्हारे सीधे पर रहने वाला है। दुनिया की दूसरी कोई चीज़ तुम्हें सीधे पर रास्ते नहीं लगा सकते। पढ़ो यही लाइन दोबारा। कर्म की भट्टी तप की अग्नि ज्ञान का साबुन लाए। ज्ञान क्या हुआ? ए इंसान, तू और कुछ ना कर, शिव संकल्प मस्त हो, हमेशा नेक ख्याल रख। ऑलवेज एंटरटेन द नोबल थॉट्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर द पीपल अराउंड यू, और फॉर द वर्ल्ड अराउंड यू। ऐसा कहते थे मेरे सतगुरु महाराज। अच्छे ख्याल रखो, बुरे ख्याल जब भी आप रखोगे वो तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा है, वेद मार्ग सबसे अच्छा है। वेद मार्ग क्या कहता है, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? शिव संकल्प मस्तु, अहिंसा परमो धर्मा। किसी भी जीव को कष्ट, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट नहीं देना है। बाबा फकीर ने तो जहां तक कह दिया कि ए इंसान, तू अपने आप को दुखी मत कर, क्योंकि तेरे अंदर वो बैठा है, वो दुखी हो जाता है जो तेरे शरीर, तेरे मन और तेरी आत्मा का साक्षी है। उसको पहचानने की तू कोशिश कर। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द सोल, बट यू आर द विटनेस ऑफ ऑल द थ्री। तुम तीनों को जानने वाले हो। ये संतों की वाणी कहती है, ये संतों का ज्ञान है। दूसरा क्या कहा? सर्वे विमंतु सुखना, सर्वे संतु निरामया। सबके लिए भला मांगो, ये है संतों। फिर क्या कहा? सत्यमेव जयते, झूठ नहीं बोलना है, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये चार चीजें अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो क्या कोई कमी रह सकती है? नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। मगर हम वक्त के मुताबिक अपने आप को बदल देते हैं, हम वक्त के मुताबिक अपने सभी सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरों का स्वार्थ कभी हम नहीं देखते। यहीं आकर हम धोखा खाते हैं और यहीं हमारा पतन हो जाता है। इसलिए ज्ञान का संबंध करते हैं दाता दयाल। वो कहते हैं कि सतगुरु करता क्या है? वो पैसे नहीं इकट्ठे करता, वो धाम नहीं बनाता। परम दयाल जी महाराज ने तभी तो कह दिया दाता दयाल को, दाता तेरी धाम उतर जाएगी, कह दिया और वो धाम उजड़ गए। क्यों क्यों जुड़ी? महाराज कहते लोग पैसा देते थे और वो लगाए जाते थे, महाराज दाता कहते ये नहीं धाम चलेगी। क्या कहा? और यहाँ क्या कहा मानवता मंदिर में? यहाँ एक रुपया भी हक हलाल का आप दोगे तो ये मंदिर चमक जाएगा। अगर आप हक हलाल की कमाई नहीं दोगे तो ये मंदिर गर्क हो जाएगा। ये उनके शब्द हैं, मुझे याद है। क्या कहा मैंने? जो हक हलाल की कमाई होती है उसमें बहुत बरकत होती है, जो दूसरी कमाई होती है वो तुम्हारी हक हलाल की कमाई को भी लेके चल जाती है। फिर क्या होता है उसका मतलब? फिर उसका मतलब तबाही होती है, बर्बादी होती है, और होकर रहेगी। आगे बढ़ो। सत्संग सिला पे मन मन धोए, सत्संग सिला पे मल मल धोए, चूनर मैल भराए। कौन सा, कौन सी शिला है, किस फट्टे पर वो धो रहे हैं तुम्हारी चुनरी को? सत्संग शिला के ये है वो शिला। यहाँ कोई कथा नहीं होती है, यहाँ कोई त्रेता द्वापर की बात नहीं सुनाई जाती है, जहाँ कोई कहानी नहीं सुनाई जाती,
इस शिला के ऊपर तुम्हारी चरणी को धोया जाता रहता है। पढ़ो यही लाइन दोबारा। सतसंग शिला पे मल मल धोए, मल मल धोए, बार बार रिपीट करता है संत अपने वाणी को, बार बार रिपीट करता है। बाबा की ने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं राम का बड़ा सेवक था, राम मेरे अंदर प्रकट होते थे, मैं बड़ा खुश होता था, मैं मूर्तियों का स्नान कराता था, बहुत आनंद लेता था, फिर कृष्ण की पूजा की, कृष्ण मेरे आगे आगे चलता था। क्या कहा, फिर 1905 में दाता दयाल जी महाराज के चरणों में चले गए, वो कृष्ण भी चला गया तो राम भी गया, फिर दाता दयाल जी अंदर आने लग गए, मैं बहुत खुश होता था। दाता को ये मैं नहीं कहा कि दादा आप बताओ आप आते हो कि नहीं आते हो, मैं खुश रहता था कि गुरु तो मेरे अंदर है। दादा दयाल कहा करते थे फकीरा, गुरु तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोश्वास। मैं यही समझता रहा कि गुरु का मूर्ति मेरे अंदर आ जाती, मेरे अंदर ही तो है और कहाँ है। जब लोगों ने बताया, सत्संगियों ने बताया के बाबा जी मरते समय आप लेने आए, हमारी माता को पाल के मिले गए, हम बीमार होते हैं आपको याद करते, दवाई दे देते हैं, हम खा लेते हैं, हमारा ये काम हो गया, हमारी नौकरी मिल गई, हमारे बेटा पास हो गया, तो जब ये बातें सुनाई लोगों ने तो मेरी आंख खुली कि मैं तो जाता नहीं कहीं, कौन जाता है, लोगों का अपना आत्मविश्वास जाता है, लोगों की अपनी श्रद्धा जाती है, लोगों का अपना प्रेम जाता है, मैं कहीं नहीं जाता। तो दाता कहते मैं मजबूर हो गया दाता के अंदर की तस्वीर को छोड़ने के लिए और मैं आगे चला गया। क्या कहा मैंने, ऐसी बात कोई संत बताता है, जितना खेल है सारा मन का है, जो भी खेल है तुम्हारी कल्पना का है, जो भी खेल है तुम्हारे मनोरंजन का है। ये मनोरंजन जो है इसको संतों ने कहा और सिद्धियों ने अलख रंजन कहा है, ये नजर नहीं आता लेकिन करता सब कुछ है, मन नजर नहीं आता लेकिन करता सब कुछ है। इसलिए उस चुनरी को कहाँ धोया गया, सत्संग की शिला पर धोया गया, सारी मैल निकाल दी, पुराने संस्कार खत्म करके नए संस्कार भर दिए। मुझे कोई संस्कार पिछले जन्म का आया ही नहीं है, जो कुछ है वो अब का है। जा कभी कभी गलती हो जाती, मैं दुनिया को देख लेता हूँ, वो मेरे दिमाग में जरूर आ जाती है, लेकिन मैं चुकन्ना हो जाता हूँ कि जे कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। जाने वाला क्या है, केवल गुरु का शब्द साथ जाएगा। इसलिए संतों ने कहा गुरु शब्द को कीजिए बहते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बटमार। जो तुम्हारे मन के टेस्ट हैं, जो तुम्हारे मन के स्वाद हैं, जो तुम्हारे मन की इच्छा है उसको कम करने की कोशिश करो तो फिर क्या होगा। पढ़ो यही लाइन दोबारा। सतसंग शिला पे मल मल धोए, चूनर मैल भराए, साफ हो जाता है मन। अगर आप मन को साफ करने के लिए आए हो, अगर और कोई इच्छा है तो फिर मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे पढ़ो। फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, सहज ही साफ कराए। डॉक्टर यार जी कहते हैं कि धोबी कभी कभी कपड़ा धोते धोते फट जाता है, पुराना कपड़ा हो फट जाएगा, तार तार हो जाएगा, लेकिन सत्संग शिला पर जो कपड़े धोए जाते हैं वो फटते नहीं हैं। क्या करते हैं संत, तुम्हारे मन की चार को जिधर चली हुई है उधर से रोक कर तुम्हारे अंदर ठहरा देते हैं। बस ये खेल है संत का और कोई खेल नहीं। तुम्हारा बाहरमुखी जितना भी खेल है,
चाहे वो पाठ है, पूजा है, तीर्थ यात्रा है, कुछ भी आप मन के लेवल कर रहे हो वो मन का खेल है। किसी देवी की पूजा मन का खेल है, यात्रा मन का खेल है, मनोरंजन है। धूप जलाना, आरती करना, ज्योति जलाना, ये सारा मन का खेल है। क्यों? क्योंकि जो कुछ है वो तुम्हारे अपने अंदर है। मुझे बात एक याद आई, बहुत साल हो गए मुझे साधु आश्रम वालों ने बुलाया। वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था और वहाँ कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर भी संस्कृत के आए हुए थे। उन्होंने भी कुछ बोलना था, मैं भी बोला, तो मैंने तो वही बोलना था मैं जो परमदयाल जी महाराज से प्राप्त किया, दूसरी बात तो मैंने कही नहीं। तो वो प्रोफेसर कहता, कमल जी आपने वो कहा जो शास्त्रों में लिखा है। मैं कहा मैं शास्त्र नहीं पढ़े। उसके बाद खाने के लिए हम बैठे, इकट्ठे होकर बैठे, टेबल लग गए। मेरे साथ एक विद्वान पंडित जी बैठ गए जिन्होंने तिलक लगाया हुआ था। मैंने वहाँ एक बात कही, मैंने कहा संत मत और सनातन धर्म में कोई भी फर्क नहीं है। फर्क यहां पड़ गया कि सनातन धर्म ने तो ये कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करो, तुम्हारे अंदर ही घंटा बज रहा है, तुम्हारे अंदर ही ओम की ध्वनि है, तुम्हारे अंदर ही बांसुरी बज रही है, तुम्हारे अंदर ही वीणा बज रही है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन हम बाहर मुखी हो गए, हम किसी को गायत्री मंत्र आता ही नहीं, किसी को पूछ कर देखो तुम्हें गायत्री मंत्र आता है। हम बाहर मुखी हो गए, बाहर घंटी बजा दी, अंदर घंटी को भूल गए। हम बाहर ज्योति जला दी, अंदर ज्योति जल रही उसको भी भूल गए। वो थोड़ा सा दुखी हो गया क्योंकि उनकी दुकान है, उनका कारोबार है, उनकी रोटी का साधन है। मैंने वही अपनी जुबान बंद कर ली। मैं कह जी अगर कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। हमने सनातन धर्म को बिजनेस बना लिया, हमने गुरु मत को भी बिजनेस बना लिया। कहीं चुनरी नहीं दुलाई जाती, बल्कि मैं जो कहूंगा उस चुनरी पर और मैल बिठाई जाती है। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि हम कम से कम किसी देवी देवता को मानकर अपनी मनोकामना तो पूरी करते थे, अब गुरु आ गए, गुरु कहते हैं वो नहीं करो, हमारी मूर्ति पर जो पूजा करो। तो क्या किया हमने? हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, हमने अपनी पूजा करवा ली, अपनी फोटो लगवा दी, और वहाँ जाकर हम क्या बने? फिर हमने चुनरिया तो ना धुली, अपनी चुनरिया भी खराब कर ली है। क्या कहा मैंने? सत्संग वो है जहाँ तुम्हारा मन साफ हो जाए, जहाँ तुम्हारी कल्पनाएं ठहर जाए, जहाँ तुम्हारा मन एक जगह पर रुक जाए और अपने आप को जानने की कोशिश करे कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड वेयर आई एम टू गो। ये संत मत है, क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। दुनिया की चीज तो देखो, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो मुझे विश्वास हो गया, अटल विश्वास हो गया कि जब शास्त्रों में ये लिखा है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये लिखा है तो ब्रह्मांड में हरकत हो रही है, हर वक्त हरकत हो रही है। ब्रह्मांड ठहरा है क्या? जमीन सूरज के तरफ घूम रही है, चांद पृथ्वी के तरफ घूम रहा है, और सब सितारे मूवमेंट में है, हमारी जमीन मूवमेंट में है, हर चीज हरकत में है। दाता दयाल ने तो जहाँ तक कह दिया कि जमीन पर पत्थर पड़ा हुआ भी हरकत में है, जहाँ तक लिख दिया। तो जो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड को कोई ना कोई हस्ती चला रही है,
जिसको गॉड कह लो, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं, लेकिन वो है, वो है। संतों ने साबित कर दिया कि वो है। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक छोटा ब्रह्मांड है। हमारे शरीर में भी हर वक्त हरकत है। बताइए तो हरकत नहीं है? हर वक्त तुम्हारी नब्ज चल रही है, हर वक्त तुम्हारा दिल धड़क रहा है, हर वक्त तुम्हारा सांस चल रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कौन चला रहा है, ये सारी हरकत कौन कर रहा है? कोई इनविजिबल ताकत तुम्हारे अंदर है। संतों ने हमें उसको पहचानने के लिए आदेश दिया कि वो देखो वो कौन है जो तुम्हारे शरीर की हरकत कर रहा है, जो तुम्हारे शरीर को चला रहा है। तुम्हारे शरीर को चलाने में मन का कोई हाथ है? सोच लो, तुम्हारा मन तो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन शरीर हरकत कर रहा है। कौन कर रहा है? वो तुम हो, वास्तव में तुम हो, जो शरीर मन और आत्मा से आगे रहने वाले हो, जो जहां रहने वाले हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए संत मत ने इस शिला को बनाया है, संतों ने शिला बनाई है। जहां धोबी कपड़े धोता है, यहां संत कपड़े धोता है। कौन से? तुम्हारे मन के गंदे कपड़े धोता है। जो तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, कीना है, बुग्ज है और शत्रुता है, उसको निकाल कर बाहर रख देता है और तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह का भी तुम्हें ज्ञान दे देता है कि तुम वास्तव में हो कौन, काम को भोगने वाला कौन है, क्रोध करने वाला कौन है, लोभ करने वाला कौन है, नफरत करने वाला कौन है। वो तुम तो हो नहीं, तुम्हारा मन है। बस मन को पकड़ना है। मन समझ लिया तो मन जीते जग जीत। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे क्या कहते हैं। फटे न बिगड़े, सूत न बिखरे, सहजन साफ कराए। सहजन साफ हो जाती है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग, सतगुरु, सतनाम, तीन चीजें जरूरी हैं। नाम का भी होना जरूरी है। और उसके बाद तुम्हारी क्या ड्यूटी है? सिमरन उस नाम का, ध्यान उस गुरु का, और भजन जो तुम्हारे अंदर आवाज आ रही है उसको दिल लगा कर सुनना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसमें कशिश है, उस धुन में बहुत बड़ी कशिश है, वो तुम्हें खींच लेती है ऊपर को। आगे फटे न बिगड़े, सूत न बिखरे, सहज ही साफ कराए, राधा स्वामी धोबिया न्यारा, राधा स्वामी धोबिया न्यारा, सत करंग दिलाए। वो हम कहते हैं राधा स्वामी धोबी है। हम सब अपने आप को राधा स्वामी कहलाते हैं। राधा स्वामी वहाँ वाले, राधा स्वामी वहाँ वाले, राधा स्वामी वहाँ वाले। मुझे को भी कहीं उधर टेलीफोन आते हैं ना बहुत, कि मैं राधा स्वामी हूँ जी, मैंने तरन तारण से सत्संग लिया हुआ, मैं दुनौद से बाणी ली हुई है, मैं ये कहा, मैं वो कहा। मैं कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है भाई, अपने गुरु के पास जाकर सवाल करो, मैं तो आपको टेलीफोन पर बता नहीं सकता। राधा स्वामी धोबिया न्यारा, वो धोबी कौन होगा जो राधा स्वामी नाम में रहता है? क्या कहा अशोक मैंने? जिसने उस सुरत को, जो सुरत है, उस शरीर से निकाला, मन में ले आया, मन से निकाला, आत्मा में पहुंच गया, फिर आत्मा को भी छोड़कर उस नाम में चला गया, वो है राधा स्वामी। मुंह से कहने वाला राधा स्वामी नहीं बन सकता। इसलिए कहा राधा स्वामी गाए कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है,
मन अपने धर ले, राधा स्वामी नाम जुगाए सोई तरे, कल क्लेश सब नाश सुख पावे और दुख हरे। ये क्यों कहा संतों ने, ये क्यों कहा, ये नई रिसर्च की संतों ने। कोई सतनाम तक रह गया, कोई वाहिगुरु तक रह गया, कोई राम राम करता है और कोई हरे रामा हरे कृष्णा करता है। मैं तो हंसता हूँ इन बातों को सुनकर। राम द्वापर में त्रेता में हुए, कृष्ण त्रेता में हुए, दोनों को मिला के हमने खिचड़ी बना दी, गाना शुरू कर दिया, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। क्या हमारा कल्याण होगा? ना हम उधर के रहे ना हम उधर के रहे, तो धोबिया न्यारा कौन सा हुआ जिसने शब्द का रंग चढ़ा दिया। वो शब्द जो तुम्हारे अंदर गूंज रहा है, बाहर नहीं, वो मन का शब्द नहीं है, वो शरीर का शब्द नहीं है, वो आत्मा का शब्द नहीं। मन के तो सारे शब्द हैं, घंटा मन का शब्द है, ओम मन का शब्द है, रानिंग मन का शब्द है, सारिंग मन का शब्द है। मेरी बात आप समझिए, सोहंग शब्द भी वो नहीं है जो होना चाहिए। सोहंग मैं वो ही हूँ, वो भी वो नहीं है, वो भी मन के लेवल की बात है। तो इसलिए मैंने आज आपको दोबारा लाइन पढ़ दो, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, ली जो चुनर धुलाए, जन्म जन्म की मैल चुनरिया, देखत जिया घबराए, काम क्रोध की चढ़ लपसानी, दुर्गंध बास बसाए, धोबिया चतुरसियाना ओ घट घाट सजाए, कर्म की भट्टी तप की अग्नि, ज्ञान का साबुन लाए, सत्संग सिलाप मल मल धोए, सत्संग सिलाप मल मल धोए, चूनर मैल भराए, फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, सहज साफ कराए, राधा स्वामी धोबिया न्यारा, राधा स्वामी धोबिया न्यारा, सब करंग दिलाए। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, सोचना आपने, विचार करो क्या सुना आपने, किस लहजे पर मैंने कहा आपको, उसको विचार करो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम्हारी चुनरी साफ हो जाए, जैसी मेरी चुनरी मेरे दाता ने साफ की। असर होता है, ये नहीं मैं दुनिया में रहने वाला हूँ, घर में रहता हूँ, मेरे असर होता है, लेकिन मेरा पिया मेरे संग है, उनकी वाणी मेरे संग है, मुझे एकदम चेतना आ जाती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, उसको मैं त्याग देता हूँ। क्या कहा मैंने, तुम्हें अलर्ट रहना होगा, तुम्हें अपना पैरा खुद करना होगा, किसका, मन का, इसको दौड़ने नहीं देना, इसको गुरु का रूप दे दो, इसको गुरु का नाम दे दो, इसको वहाँ ठहरा दो, यहाँ ठहरा दो, ये मन अपने आप साफ हो जाएगा और तुम्हारी संभाल वो खुद करता है। मैं और क्या कहूँ, वो तुम्हारी संभाल खुद करता है, मगर हमें विश्वास नहीं आता। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम्हारा सबका भला हो, तुम सुखी रहो, आप तंदुरुस्त रहो, जिस जिस ख्याल से आए हो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।